हमारे इतिहास के क्रूर राजाओं में से औरंगजेब का नाम हमेशा याद रखा जाता है। इस मुगल राजा का सपना तो पूरे भारत पर अधिकार करने का था, परंतु इसकी मौत से यह ख्वाब कभी भी पूरा नहीं हो पाया। औरंगजेब एक भयानक मौत मरा, यही आज हम आपको बताएंगे। उस समय तक महान हिंदू सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वर्गवास हो चुका था और छत्रपति संभाजी महाराज के अंग अंग काट कर उनकी हत्या औरंगजेब के सामने कर दी गई थी। इसके बाद हिंदुओं के सामूहिक प्रयास द्वारा भारत में चारों ओर औरंगजेब के विरुद्ध छापामार युद्ध आरंभ किया गया। औरंगजेब को मारने के छोटे छोटे प्रयास हमेशा ही किए जाते थे, वो किस्मत का भी धनी था। एक बार तो मराठा नेता संताजी और धनाजी द्वारा औरंगजेब के तंबू की सारी रस्सियां ही काट कर तंबू को गिरा दिया गया था, परंतु औरंगजेब उस रात अपनी बेटी के तंबू में था और उसी के साथ सो रहा था, जिस कारण वो बच गया, पर बाकी सारे लोग मारे गए। औरंगजेब ने जो अत्याचार किए थे उसे देखते हुए धीरे धीरे मौत देना ठीक था। वीर छत्रसाल जी और महाप्रभु जी ने एक योजना बनाई और एक खास प्रकार के जहर से युक्त एक खंजर बनाया गया और छत्रसाल जी को महाप्रभु जी ने योजना समझाते हुए कहा, यह खंजर उस औरंगजेब को पूरा नहीं मारना है, अन्यथा वो तत्काल प्रभाव से मर जाएगा। और छत्रसाल जी को समझाया गया, ये खंजर केवल उसको एक इंच से भी कम गहराई का घाव देते हुए एक लंबा सा चीरा मारना है। बुंदेला वीर छत्रसाल जी ने इस कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और जैसा महाप्रभु जी ने कहा था ठीक उसी प्रकार उसके शरीर पर एक चीरा दिया गया, जिससे वो औरंगजेब 3 महीने तक बिस्तर पर ही तड़पता रहा और इसी तरह से वो तड़प तड़प कर मरा और उसके पापों का अंत हुआ। जय माँ भवानी। दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि हमारी टीम आगे भी ऐसे बहादुरी के वीडियो लेके आएगी। धन्यवाद।